इंदौर में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पीड़िता ने वार्ड संयोजक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ ही दो पत्रकारों पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि क्षेत्र के ही वार्ड संयोजक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी वार्ड संयोजक की पत्नी ने दो तथाकथित पत्रकारों को बुलवाकर पीड़िता के खिलाफ अखबार में खबरें भी छपाई। इतना ही नहीं, तथाकथित पत्रकारों द्वारा पीड़िता पर 50,000 रुपये दिलाने का दबाव भी बनाया गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, कल हमारे पास पीड़िता ने आके बताया कि उसके साथ एक वार्ड संयोजक द्वारा पहले तो कई बार जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके बाद जो वो वार्ड संयोजक की पत्नी है, उनके द्वारा दो पत्रकारों को बुलाकर और उसके खिलाफ खबरें छपवाना शुरू किया गया पीड़िता के खिलाफ। और ये जो पत्रकार हैं, इन्होंने फिर पहले तो इससे पीड़िता से 50,000 रुपये की मांग की कि आप इतने पैसे दिलवाओ। जब वो इस प्रकार से पैसे नहीं दिलवा पाई तो इन लोगों ने पीड़िता के खिलाफ और भी ज़्यादा छापना शुरू कर दिया। इस प्रकार की पीड़िता ने हमसे शिकायत की तो हमने संपूर्ण समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। फिलहाल देखना होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शर्मसार करने वाले तथाकथित पत्रकारों पर पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।